आनंद वाटिका स्थित सनातन संस्कार धाम में श्रावण मास की शिवरात्रि पर चल रहे शिवार्चन महोत्सव का समापन 3100 पार्थिव शिवलिंग के रुद्राभिषेक के साथ विधिवत रूप से संपन्न हुआ। आचार्य राम विलास चतुर्वेदी के आचार्यत्व में सैकड़ों भक्तों ने मिट्टी से 31,000 पार्थेश्वर का निर्माण किया। इसके बाद दूध, दही, फूल, शहद और गंगाजल आदि से उसका अभिषेक किया। बताया गया कि एक सप्ताह से चल रहे महोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व कल्याण और राष्ट्र उत्थान की कामना के लिए किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे कई प्रदेशों के सैकड़ों भक्तों ने भगवान शिव का जाप कर प्रभु से आराधना की। इस संबंध में आचार्य राम विलास चतुर्वेदी ने जानकारी दी। श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवरात्रि के दिवस आज भगवान पार्थिवेश्वर का निर्माण, जो कि मिट्टी के द्वारा 31,000 निर्माण हुआ, भगवान शिव पंचायतन का दिव्य निर्माण हुआ और उसके बाद में उनका खड़ंग पूजन, पूजन के बाद में जल धारा, दुग्ध धारा, पंचामृत धारा के साथ में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। इस अभिषेक का एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रकृति के सर्वोत्तम प्रधान देवता, देवों के देव महादेव, जो कि समस्त संसार पर असीम कृपा करने वाले हैं, श्रावण मास में शिवरात्रि के दिन जब भक्त भगवान शिव की आराधना जल से, पुष्प से, बिलपत्र से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विश्व शांति हेतु ये महायज्ञ सप्त दिवस पर्यंत चल रहा था, आज इसका पूर्ण होने का, समापन होने का अवसर था। इस पर सभी भक्तों ने मिलकर के भगवान शिव का भव्य अभिषेक किया है। आपको एक और विशेष बात कहें, भगवान शिव की वो कृपा जीव के ऊपर अतिशीघ्र होती है, जिसके लिए वो जन्मान जन्म जन्मांतर से मनुष्य जीवन में लालयत होते हुए भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि इनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष तव अवढर दानी आरती हरऊं दीन जन जानी। इसी प्रकार से समस्त भक्तों की पीड़ा को हरण करते हुए समस्त भौतिक आध्यात्मिक सुख प्रदान करें, इसी कामना के साथ ये महायज्ञ भगवान शिव का, पार्थिवेश्वर शिव पंचायतन का ये शिवार्चन महायज्ञ आप सभी के सम्मुख किया गया है। आप के चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त वृंद इसको देख रहे हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।